दोस्तों, एक और नई डिश के साथ मैं ऋतु जैन आपका स्वाद का तड़का में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश लाई हूँ जो अक्सर आपने बड़े बड़े तवे पर स्ट्रीट्स पर बनते देखी है और हमेशा यही सोचा है कि काश हम घर पर भी इसे इतना ही टेस्टी बना पाते। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, ये डिश है तवा पुलाव। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगे। तो आइए दोस्तों, यह तवा पुलाव मसालों के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल मार्केट जैसा या ये कहे मार्केट से भी बेहतर बनाते हैं। यदि अभी तक आपने स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। सब्जियों में हमें लगेगा बॉईल किए हुए मटर और आलू, बारीक कट किए हुए टमाटर, ओनियन, कैबेज, कैप्सिकम और कोरिएंडर लीफ। मसालों में हमें लगेगा पाव भाजी मसाला, कसूरी मेथी 8 से 10 लहसुन की कली, खड़े जीरे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगोई हुई कश्मीरी लाल मिर्च और हमें लगेगा ऑयल, हरी मिर्च, लेमन और बटर। तवा पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट है राइस। यहाँ पर हम बासमती राइस ले रहे हैं जो तवा पुलाव के फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों, चावलों को करीब मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था और ये 150 ग्राम के आसपास है जो 3 से 4 सर्विंग के लिए सफिशिएंट है। तो आइए सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। मैंने एक पॉट में पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था जो अब बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस चावलों को आपस में चिपकने नहीं देता जिससे चावल खिले खिले बनते हैं। अब हम इसमें भिगोए हुए चावल डाल देंगे। और इन्हें करीब 80% तक बॉईल करेंगे। चावल बॉईल हो चुका है, अब हम चावलों में से पानी को अलग कर देंगे। अब हम चावलों को एक थाली में फैला देंगे ताकि चावल स्टीम से ओवर कुक भी ना हो और जल्दी से ठंडे भी हो जाए। चावल बॉयल होके पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं। अब हम तवा पुलाव का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें भिगोई हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 5 से 6 लहसुन की कली डालेंगे और 1 चम्मच खड़े जीरे डालेंगे और इन सबको बारीक पीस लेंगे। चिली पेस्ट रेडी हो चुका है। चलिए तो अब हम तवा पुलाव बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक आयरन पैन लिया है, आप चाहे तो इसके जगह नॉनस्टिक पैन या आयरन का तवा भी यूज़ कर सकते हैं। मगर दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूँगी, आप जब भी तवा पुलाव बनाएं तो इन्हें लोहे के बर्तन में ही बनाएं, क्योंकि आयरन पैन नॉनस्टिक पैन के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होता है और जब हम इसमें सब्जियाँ या मसाले फ्राई करते हैं तो उनका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच बटर डाल देंगे और दोनों को गरम कर लेंगे। बटर पुलाव को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और ऑयल बटर को जलने नहीं देगा। दोनों चीज़ें गरम हो चुकी हैं, अब हम इसमें बारीक कट किया हुआ ओनियन डाल देंगे और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और दोनों ही चीज़ों को हाई फ्लेम पे करीब आधा मिनट रोस्ट करेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हाफ कुक करना है। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, कैबेज डालेंगे और कैप्सिकम डालेंगे और सब्जियों को भी हम हाई फ्लेम पे कुछ देर सेकेंगे ताकि ये आधी पक भी जाए और हल्की क्रंची भी रहे। सब्जियां भी सिक चुकी है, अब हम इसके सेंटर में थोड़ी जगह बनाएंगे और 1 चम्मच चिली पेस्ट डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से सेक लेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। दोस्तों, टमाटर की क्वांटिटी और सब्जियों से थोड़ी ज़्यादा रखें क्योंकि ये पुलाव को खट्टापन भी देगा और अच्छा टेस्ट भी देगा।
टमाटर भी अच्छे से मैशी हो गए हैं। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और पुलाव का तीसरा मेन इंग्रेडिएंट पाव भाजी मसाला डालेंगे, ये एक बड़ा चम्मच है, और इन्हें भी कुछ सेकंड सेक लेंगे। अब इसमें उबले हुए मटर और आलू डाल देंगे। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आखिरी में थोड़ा सा बटर और डाल देंगे ताकि पुलाव और भी ज़्यादा यमी हो जाए, और इसे भी मिला लेंगे। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आखिरी में लेमन जूस डाल देंगे जो पुलाव की स्पाइसीनेस को कम करेगा और इसे खट्टा भी करेगा। और गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव डालेंगे। तवा पुलाव बनके तैयार हो चुका है और इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो चलिए फटाफट इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं स्वाद के एक और नए तड़के के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग योर फेवरेट चैनल स्वाद का तड़का। बाय बाय एंड थैंक यू।